आज मैं घर का कुछ भी काम नहीं करूंगी, आज मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा है। सो दोस्तों, ऐसा क्या आपके साथ भी होता है? मेरे साथ तो महीने में एक बार ये जरूर होता है, जिस दिन मुझे लगता है कि आज मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है, तो उस दिन को मैं कैसे प्रोडक्टिव बनाती हूँ, आज के वीडियो में आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि जब भी हमें थोड़ा सा लो फील होता है या मन नहीं करता है, तो उस टाइम को हमें किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए और कैसे उस बोरिंग डे को हमें प्रोडक्टिव बनाना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्चना और इसी तरह के वीडियोस मैं इस चैनल पर लाती रहती हूँ जो आपसे और आपकी फैमिली से रिलेट करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, जब भी आपको ऐसा लगे कि आज मुझसे कुछ भी काम नहीं हो रहा है, तो उस दिन को आप इस तरह से प्रोडक्टिव बनाइए, उस दिन आप उस काम को करिए जिसको करने से आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लगेगा। वो काम आपका कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ पे अपना कुकिंग कर सकते हैं, या जिस तरह से मेरे को ये काम अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ जो होगी पुरानी रखी होती है, मैं उसका कुछ ना कुछ ज़रूर बनाने लग जाती हूँ और जब उसका आउटपुट मुझे मिलता है ना गाइज, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता है। तो जब भी मैं बोर होती हूँ, मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता, तो मैं इस तरह के काम करने लग जाती हूँ। जैसे कि एक बॉटल रखा था, बस उसको मैंने उठाया और उस पर मैंने फेविकोल को स्प्रेड किया और मैं पुराने न्यूज़पेपर लिए और उसको मैं इस पर स्टिक करने लगी। लिटरली दोस्तों, जब मैं इसे बना रही थी ना, मेरे दिमाग में बिल्कुल कुछ भी नहीं था, मुझे नहीं पता था इसका आउटपुट क्या आने वाला है। बस मैं इसे लेके बैठ गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था, और इसको करने के बाद जो आउटपुट मिला ना दोस्तों, तो मुझे लगा कि अरे वाह, ये तो बहुत ही सही हो गया है और मेरा तो माइंड भी एकदम रिफ्रेश हो गया और मेरा दिन जो बोरिंग जा रहा था वो थोड़ा सा प्रोडक्टिव मुझे दिखा। तो बस मैं थोड़ा सा उठ गई और अपने काम को थोड़ा और अच्छे से करने लगी। तो बस ये बॉटल जैसे ही ड्राई हुई, मैंने इस पर स्प्रेड कर दिया है ब्लैक कलर, जो कि स्प्रेड वाले कलर्स आते हैं ना, वो मैंने इस पर स्प्रेड कर दिया, उसको ड्राई होने दिया है। तो जब भी गाइज आपको लगे कि मुझे आज कुछ नहीं करना है, तो आप इस तरह के कामों को कीजिए जिनको करके आपको कभी भी बोरिंग नहीं लगता है, वही काम उठाइए। वो कोई भी काम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी तरह से ऐसे ही कुछ बॉटल लें। आपके जो भी पसंद के काम है, जो भी फेवरेट काम है, जिनको करके आपको रिलैक्सिंग लगता है, वो काम आप उस दिन कीजिए जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा बोर लग रहा है। तो देखिए, यहाँ पे बॉटल हो गई है ड्राई, और ड्राई होने के बाद थोड़ा सा इसमें मेरे को देना था मेटलिक टच, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर लिया, एक्रेलिक कलर होते, और स्पॉन्ज की हेल्प से बस ऐसा रेंडमली मैंने इस पर स्प्रेड किया, और ये बॉटल ना दोस्तों इतनी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। तो बस ये आउटपुट देख के तो मेरा दिन जो बोरिंग जा रहा था, वो बहुत ही अच्छे तरीके से जाने लगा। तो इस तरह के काम मैं करती हूँ जब मुझे लगता है कि आज मुझे कुछ घर के काम नहीं करने, तो मैं ऐसे कामों को उठाती हूँ। तो देखिए, ये बॉटल बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है और इसको आप अपने घर के किसी भी कॉर्नर में रखिए, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। नेक्स्ट आइडिया मैं आपको देती हूँ कि जब हमें बहुत ज़्यादा लो फील होता है, तो आप इस तरह के काम भी कर सकते हैं। मेरा ये भी बहुत ही रिलैक्सिंग पॉइंट है, जब भी मुझे लगता है कि चलो यार मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, बहुत लो फील हो रहा है, तो मैं आ जाती हूँ अपने बालकनी में और प्लांट्स के साथ खेलने में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता है। तो बस मैं लग जाती हूँ अपने प्लांट्स को ठीक करने में, उनके मिट्टी को देखने में, जो भी टूट गए या जो ख़राब हो गए हैं उनको हटाने में, तो इससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स लगता है। तो दोस्तों, अगर आप भी थोड़े से प्लांट्स के शौकीन है, तो बस अपना टाइम जो आपका बोरिंग टाइम है वो अपने प्लांट्स को दे दीजिए, यहाँ बैठ के आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, रिलैक्स लगेगा, और आपका जो बोरिंग दिन था वो प्लांट्स की केयर करने में निकल जाएगा। तो इससे आपको दो फायदे होंगे, एक तो आपका दिमाग भी रिलैक्स हो जाएगा, और दूसरा जो कुछ भी काम नहीं हो रहा था वहाँ आप अपने इस गार्डन को थोड़ा सा टाइम दे पाएंगे।
तो बस जो भी मैंने अपनी बालकनी में चीज़ें लगा रखी थी, प्लांट्स की केयर करते करते मैंने उनको भी क्लीन कर दिया। तो बस मेरा दिन तो बस बन ही गया है दोस्तों। जो बोरिंग जा रहा था वहाँ पे ऐसे मेरे जो रिलैक्सिंग वाले काम थे वो मैं करने लगी, और उसी के साइड में मेरे जो ये क्लीनिंग वाले काम थे वो भी होने लगे। और इसका तो मैंने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि मैं अपने जो फेवरेट वाले काम है वो कर रही हूँ और उसी के साइड में मेरे ये घर के काम भी होने लगेंगे। तो इस तरह से आप अपने जो बोरिंग डे है ना उसको इस तरह से प्रोडक्टिव बना सकते हो अपने फेवरेट काम करके, जिनको करने में आपको कभी भी बोर नहीं लगता है उन्हीं कामों को आप यहाँ पे उठा सकते हैं। तो देखिए मेरे प्लांट्स अच्छे से क्लीन भी हो गए हैं और मेरा दिन भी अच्छे से निकल रहा है। तो चलिए दिन तो हमारा अच्छा हो ही गया है। एक बहुत ही अच्छा रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। जो इवनिंग में बच्चों को छोटी छोटी भूख लगती है ना दोस्तों, उसमें आप अपने बच्चों को ये वाला पैनकेक बना के खिला सकते हैं। बहुत हेल्दी है और बहुत फटाफट बन के रेडी हो जाता है। तो बस एक अंडा ले लिया, उसमें थोड़ा सा शुगर डाल दिया है। आज मेरे यहाँ जैगरी ख़त्म हो गया था इसलिए मैंने शुगर डाल दिया है, नहीं तो मैं हमेशा यहाँ पे जैगरी डालती हूँ। देन उसके बाद थोड़ा सा आटा मैंने इसमें मिक्स कर लिया है, और आटा मिक्स करने के बाद अगर बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है तो आप इसमें ऐड कर दीजिए थोड़ा सा मिल्क, और एक बहुत ही बेहतरीन सा बैटर बन के रेडी हो जाएगा। और इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड कर देती हूँ। तो एक ये बैटर रेडी हो गया है पैनकेक का। बस इसको कुछ भी नहीं करना है आपको, एक अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद ये बहुत ही हेल्दी सा पैनकेक बन के रेडी हो जाएगा जो आपके बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, और इवनिंग के स्नैक्स में आप इसको अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप बैटर बना लीजिए, उसके बाद आप एक नॉनस्टिक पैन लीजिए और उसको चढ़ा दीजिए गैस पे, और जैसे ही वो थोड़ा सा गर्म होता है हल्का सा, उसके बाद आप इसको बना लीजिए पैनकेक। तो हम बच्चे को हेल्दी खिला के भी रिलैक्स फील करते हैं, तो ये वाली चीज़ भी आप कर सकते हैं, अपना फेवरेट कुकिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं, उससे भी आपका दिन जो बोरिंग जा रहा था वो प्रोडक्टिव बन जाएगा। तो बस पैनकेक को मैंने इस पे पैन पे स्प्रेड किया और हल्का सा यहाँ पे घी डाला, और दोस्तों इसको बनने में 5 मिनट भी नहीं लगता है और ये बहुत ही हेल्दी सा पैनकेक बन के रेडी हो जाता है। मेरी डॉटर तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती है, मैं वीक में 2 या 3 बार उसे ज़रूर पैनकेक खिलाती हूँ, क्योंकि हेल्दी भी होता है और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो बस मैं उसको ले जाती हूँ इवनिंग में, और इसके साथ मैं देती हूँ उसको हनी। तो हनी के साथ उसे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है। तो देखिए मेरी डॉटर भी यहीं खड़ी है क्योंकि उसको पता है उसका फेवरेट वाला पैनकेक बन रहा है। तो बस मैंने हनी निकाला और उसको दिया, और ये पैनकेक उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है और वो इसे इंजॉय भी करती है। सो गाइज दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, होप यू इंजॉय दिस वीडियो। अगर ऐसे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियोस मैं इस चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ, और वीडियो देखने में थोड़ा सा भी मज़ा आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे आपका भी दिन अगर बोरिंग जा रहा है तो उसे आप इस तरह से प्रोडक्टिव बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।